नेक्स्ट नाइन न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अबरारुल हक रहमानी। इस वक्त महाराष्ट्र की सियासत में एक स्थिरता तो दिखाई दे रही है, लेकिन उसके बावजूद भी कहीं ना कहीं जो शिवसैनिक हैं उनके मन में ये बात जरूर है। और खुद एकनाथ शिंदे ने भी इस बात का जिक्र कई बार किया है कि शिवसेना पार्टी को एक हो जाना चाहिए और यही महाराष्ट्र के हित में भी होगा, क्योंकि क्षेत्र की राजनीति को जब से आप कह सकते हैं कि बालासाहेब ठाकरे ने साधना शुरू किया उसके बाद से ही महाराष्ट्र में मराठा मानुष के विकास की बात हो या फिर नौकरियों में जो है हिस्सेदारी की बात हो उसको लेकर के अगर किसी ने आवाज़ बुलंद की थी तो वो बालासाहेब ठाकरे थे। और इस समय दोनों गुट अलग अलग होने के बावजूद भी जो है बालासाहेब ठाकरे के उन आदर्शों की बात भी कर रहे हैं और उनके ही नक्शे कदम पर राजनीति करने की कोशिश की जा रही है। उसके बावजूद आप कह सकते हैं कि इस समय महाराष्ट्र में जो स्थिति बनी हुई है उसको लेकर फिलहाल तो नहीं कहा जा सकता है कि शिवसेना पार्टी जो है वो एक होने जा रही है। लेकिन इन सब मामलों से अलग कपिल सिब्बल जो कि लगातार कोर्ट के भीतर उद्धव ठाकरे का पक्ष रख रहे थे और अब जबकि कोर्ट में ये पूरा मामला आखिरी मरहले में, यानी कि फैसला जो सुनाने का एक तरीके से आप कह सकते हैं कि माहौल जो तब से बनना शुरू हुआ था उसके बाद से ये बातें कही जाने लगी थी कि कई और मामले ऐसे हैं जिसमें कपिल सिब्बल ऐसे कई सबूत पेश करेंगे जिसके बाद एकनाथ शिंदे का मुख्यमंत्री बने रह पाना मुश्किल हो जाएगा। भारतीय जनता पार्टी लगातार ये कोशिश तो कर रही है क्योंकि बीजेपी के ही तमाम जो आप कह सकते हैं कि ताकत और उनके जो राजनीतिक षड्यंत्र के कारण महाराष्ट्र में एमवीए सत्ता जो है वो गिरी और फिर उसके बाद जो है एकनाथ शिंदे को सीएम की कुर्सी पर बिठाया गया। ये खेल बिल्कुल अस्पष्ट है। इसको लेकर के कई बार विपक्ष के नेताओं ने सीधे तौर पर आरोप भी लगाए थे और इन आरोपों का जवाब बीजेपी या फिर शिंदे गुट की तरफ से उस आक्रामक अंदाज में नहीं दिया गया। जैसा कि आपने देखा होगा राजनीति में कई बार नेताओं के ऊपर अगर गलत लांछन लगाए जाते हैं तो उसका वो जो है पुरजोर तरीके से विरोध करते हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। तो अब देखते हैं कि इस समय जो स्थिति बनी है, जो सियासी हालात पैदा हुए हैं, उस पर जो कपिल सिब्बल के दावे हैं या फिर उद्धव गुट के जो दावे हैं उसमें कितनी हकीकत है और क्या वाकई एकनाथ शिंदे अपने कार्यकाल को पूरा नहीं कर पाएंगे। इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही। देखते रहिए ताज़ा तरीन खबरों के लिए नेक्स्ट नाइन न्यूज़ को। धन्यवाद।